फिलहाल देखें आप यहाँ पर कुछ ड्राइवर फिलहाल क्या मसला इसमें पेश आया था सर, क्या मसला इसमें पेश आया था, क्या कहेंगे आप? मैडम एक लड़ाई हुई थी, हमारे कनेक्टर को मारा था प्राइवेट गाड़ियों वाले ने, तो वो मसला ई बसेस के कनेक्टर को मारा था प्राइवेट गाड़ी के कनेक्टर ने। तो मारा क्यों? आप बसेस निकल रही थी नॉर्मली? हाँ, बस ही निकल रही थी, पैसेंजर बैठा रहे थे, तो उसने उतार रहे थे, उसने बोला ये पैसेंजर क्यों हमारे स्टाफ से उठाते हो आप, इसलिए उसको मारा। अच्छा, ये कंडक्टर को मारा? हाँ, कनेक्टर को मारा। फिर उसके बाद? उसके बाद पुलिस कार्रवाई कराई हमने, तो पुलिस ने वो लड़के को बोला आधे घंटे के बाद उठा देंगे। हमारा भाई है, ड्राइवर भाई हमारा, तो सुबह पता क्या हुआ, माला मोटा इनको मार पिटाई किया, मेरे को कॉल आया तो प्रधान सर से बात हो गया, मैं कहा मैं आता हूँ, आया वो क्लिनर को मारा, लगे उसको खून भी लगाया, प्रचार सिंह साहब ने कार्रवाई की है, देखो क्या बनता है, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, दादागिरी चलेगी नहीं, हम चले नहीं देंगे, कोई भाई घर से काम करने लिए आ रहा है उसको मारो, गाड़ी गोरमड़ी गाड़ी है, हम मुलाजम गोरमड़ी के, जिन कंडक्टर को मारा है ई बस आदमी है, हमारा छोटा भाई है बेचारा, उसको मेडिकल करवा रहे हैं, उसको कोई बात नहीं, क्योंकि मेडिकल हो रहा है, ये हो गया 5-6 बार हो गया, कोई एक लड़को मारनी पड़ी, कम से कम 5-6 एक लड़को मार पड़ गई है, जान से मार देंगे, जान से मार देंगे, बोलते हम ये वो बाजू काट देंगे, टांग काट देंगे, आपने होगी होगी होगी, मारा किसने था? दूसरे ट्रांसपोर्ट के कंडक्टर ने मारा? जी 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 मैम, जी मैम, फिलहाल कंडक्टर हिरासत में? नहीं अभी नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी क्या कहते हैं? बोले नंबर दे दिए, गाड़ी का नंबर दे दिया, पुलिस पकड़ा गया, कर देंगे अरेस्ट कर देंगे आज ही। कौन से रूट की गाड़ी? वो कोटपुर वाले की। ये वाक्य कहाँ पेश आया? यहीं पे, किसी मोड़ पे? किसी मोड़ में? जी 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 जी। कंडक्टर को मारा, ड्राइवर को? आप ऐसे पहले भी वारदातें पेश आई है? पहले भी सतवारी में आई है, कोटपुर वाले में आई है, 3-4 जगह आई है, एक्शन नहीं लेते? नहीं, एक्शन नहीं ले रहे, अब लेंगे ना, अब लेंगे, तभी प्रॉब्लम हो रही है इनको, तभी प्रॉब्लम हो रही है, आप लोगों की रोजी रोटी भी तो यहीं से आ रही है, वही ना। तो फिर वो लोग इस तरह से कह रहे हैं कि आप लोगों के आने की वजह से हमारी रोजी रोटी जो है वो रुक चुकी है, तो क्या कह रहे हैं? कैसे रुकेगी? उन लोगों ना करें मैम, वो सरकार से पेश करें, हम भी एक एम्प्लॉय हैं, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी कितनी सैलरी है? 14,000 है, मिडिल क्लास लोग हैं हम, ठीक है, हमारे साथ ना दुश्मनी करें, वो ऊपर उनसे बात करें, हमें मारने का कोई हक नहीं है उनको, कल अगर कोई मर जाएगा कौन सी में मारे, आज उन्हें थप्पड़ मारे, कल को सिर में मारेगा, कल को मर गया फिर कोई ऐसी जगह लगी, हाँ कनेक्टर को मारा है, कनेक्टर की आंख से मारा, उसको इधर लगा, इधर लगी है, इधर टांगों में लगी है, उसके टांगों में लगी, आंखें में लगी है इसमें, हाँ मेडिकल गया वो। इस तरह से देखते हैं, ट्रांसपोर्टर्स ने पहले भी पिछले दिन भी चक्का जाम की कॉल दे दी थी कि ई बसेस की वजह से हम लोगों को सफर करना पड़ रहा, तो रो रहा है मैम, देखो ये रो रहा है लड़का, कितना मारा उसको, देखिए ये वो ई बस का कंडक्टर है, देखिए आप ई बस का कंडक्टर है, वो मैं फोन थोड़ा पीछे, ई बस का कंडक्टर है ये, जिससे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जिसे फिलहाल ये वारदात पेश आई है, जिसे मारा गया, देखिए आप ये हंगामा पेश आया है यहाँ पर, क्या कुछ देखें फिलहाल, अब किस तरह से आप लोग देखते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि ई बसेस और ट्रांसपोर्ट जो दूसरी मेटाडोर्स हैं इनके बीच जो है वो शुरू से ही झड़प देखने को मिली, जिसके बाद कल ट्रैफिक कॉल भी दी हुई थी, जिस बीच लड़ाइयां जो है वो इस चीज को लेकर चल रही थी, पर अभी आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं ई बसेस की तस्वीरें हैं, जहां पर सारे ई बसेस के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होकर इन्होंने FIR दर्ज करवा दी है उस मेटाडोर के कंडक्टर पर, जिस मेटाडोर के कंडक्टर ने हाथ उठाया और इन ई बसेस के ड्राइवर्स को मारा। अभी फिलहाल देखें आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, तमाम ड्राइवर्स यहाँ पर इसी ई बसेस के हैं, आप देखें ई बसेस अभी यहाँ फिलहाल अलग अलग रूट्स की खड़ी हो गई हैं, इनका कहना यह है कि अगर आपको कोई परेशानी ई बसेस के साथ है तो आप इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से कहें, क्योंकि ये सरकारी बसें हैं, तो सरकार से इसके बारे में कहें, आप लोग जो है वो हमारे साथ हाथापाई ना करें, क्योंकि देखें जाहिर सी बात है हाथापाई के दौरान अगर किसी को ज्यादा गंभीर चोटें आ जाती, किसी को कोई घायल हो जाता तो इसका जिम्मेवार कौन होता। देखिए आप फिलहाल तस्वीरें देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, अभी भी आप देखें ये जितने भी ड्राइवर्स हैं ये नजदीकी पुलिस स्टेशन, नजदीकी क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में गए, पुलिस स्टेशन में जाने के बाद इन्होंने मामला दर्ज करवाया, अभी फिलहाल मामला दर्ज है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अलग अलग बसेस के जो हैं ई बसेस के ड्राइवर्स कंडक्टर्स हैं, और इसके बाद फिलहाल आप ये तस्वीरें देखें, इनका कहना ये है कि अगर किसी भी
किसी को भी यानी प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टर्स को, अगर रोड ड्राइवर्स को या कंडक्टर्स को प्रॉब्लम है तो वो इस तरह से बात का हल ना करें, बल्कि ये सरकारी बसें हैं तो वो सरकार के पास जाकर इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं और उसके बाद जो भी सामने आएगा उस पर कार्रवाई जो है वो सरकार करेगी कि किस तरह से देखना है कौन सी रूट पर ये बसेस चलानी है, कौन से रूट पर नहीं चलानी है, जिससे ना कि ट्रांसपोर्टर्स को दिक्कत आए और ना ही ई बसेस के ड्राइवर्स को दिक्कत आए। तो देखिए तमाम चीज़ें आपके फिलहाल सामने हैं। अभी फिलहाल आप देखिए हंगामे की तस्वीरें, लोग इकट्ठा हो गए यहाँ पर, ये तमाम वही ड्राइवर्स कंडक्टर्स हैं जो ई बसेस के हैं, ई बसेस चालक हैं या कंडक्टर्स हैं। तो आप देखिए फिलहाल जो तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं, आपको भी बता दें सुबह भी जो झड़प देखने को मिली, इसके बाद अभी फिलहाल मामले को दर्ज कर लिया गया है पुलिस की तरफ से, अब तहकीकात जो है वो की जाएगी। पर आपको मैं बता दूं जिस कंडक्टर की काफी बुरी हालत है, वीडियोस आप लोगों ने स्क्रीन पर देखी है, अभी फिलहाल जो मामले को दर्ज किया जाएगा जो तस्वीरें आप फिलहाल देख पा रहे हैं लगातार स्क्रीन पर, ये तस्वीरें समय की अभी भी आप देखें कि ये तमाम ड्राइवर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और अभी भी फिलहाल बनती कार्यवाही जो है वो की जाएगी और ये भी तस्वीरें लगातार आपके स्क्रीन पर हैं। अब क्या कुछ इसको लेकर जो है वो ई बसेस के एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, यानी कि ई बसेस के जो ड्राइवर्स हैं इनकी अपनी जो यूनिट है वो कहती है, ये भी आपके सामने फिलहाल स्क्रीन फिलहाल आप देखें लगातार तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कल भी जो झड़प है वो देखने को मिली, किस तरह से कि ट्रांसपोर्टर्स ने लगातार ये बात कही कि ई बसेस आ जाने के बाद जो हम लोगों की रोजी रोटी है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ा, जिसके बाद आज वो फ्रस्ट्रेशन किस तरह से देखने को मिली ये भी आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा कि किस तरह से वो अब देखिए यहाँ पर जितने भी आप देख पा रहे हैं, देखिए आप 10-15 जितने भी ई बसेस हैं ये तमाम ई बसेस यहाँ पर खड़ी हुई हैं इस समय। ये ई बसेस के ड्राइवर्स जो हैं ये इकट्ठे होकर जो है वो पुलिस स्टेशन गए जहाँ पर इन्होंने मामला दर्ज करवाया उस मेटाडोर के कंडक्टर के खिलाफ, जिस मेटाडोर के कंडक्टर ने ई बसेस के कंडक्टर को पीटा और बुरी तरह जख्मी किया, जिसके बाद अभी फिलहाल जो ई बस के कंडक्टर हैं उन्हें मेडिकल के लिए भेजा गया है नजदीकी मेडिकल कॉलेज में, जिसके बाद अभी फिलहाल आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। देखिए इनकी जो झड़प चल रही है, इनका ये कहना है कि अगर ऐसा आपको आपकी कोई झड़प है, अगर ऐसे आपको कोई मनमुटाव है तो आप लोग जो है ये सरकारी बसें हैं, आप लोग सरकार से बात कीजिए उसके बाद मसला हल कीजिए, पर इस तरह जो है अपने फ्रस्ट्रेशन को दिखाना, इस तरह किसी को पीटना, ये चरों से कमाने के लिए निकले हैं तो इस तरह की चीज़ों को आप लोग अवॉइड कीजिए, ये चीज़ें जो है वो गलत है। अगर आप लोग सोचते हैं कि आपके रूट पर जब ये बसेस चलना शुरू हुई है तो आपकी इनकम इससे कम हुई है तो आप इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात कीजिए, क्योंकि स्मार्ट सिटी के अंदर आती है तो स्मार्ट सिटी के अथॉरिटी से बात कीजिए आप लोग, क्योंकि इस तरह से मसले को हल कीजिए। पर इस तरह से अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाना ये कहीं ना कहीं चीज़ गलत है, क्योंकि ये लोग भी घरों से बाहर काम करने के लिए ही आए हैं, ये लोग भी अपनी रोजी रोटी इसी तरह काम करके कमा रहे हैं। तो देखें आप इस तरह से कोई भी चीज़ें अगर आप करते हैं तो वो चीज़ गलत है, इसलिए इन तमाम चीज़ों को आप फिलहाल देखें, इन तमाम चीज़ों पर आप नज़र डालें। अभी फिलहाल आपने तस्वीरें जो हैं वो ऑल टाइम के माध्यम से देखी है, इस पर आपका क्या कहना है, आपकी उस पर क्या राय है, आप लोग अपनी राय को ज़रूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहें आप ऑल टाइम, कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।